number distribution ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आपके सामने आ गई होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने। जी सर। ठीक है, तो ये हमारी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि जिन चीजों से या क्वांटिटीज या वेरिएबल्स से मुतालिक ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे। कंटिन्यूस वेरिएबल कैसा वेरिएबल होता है? जो किसी गिवन रेंज में कोई भी वैल्यू उसकी पॉसिबल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों की हाइट है। अब आपको पता है लोगों की जो हाइट है लेट्स से बिटवीन 2 फीट और 8 फीट, इसके दरमियान इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। 5.16 भी हो सकती है, 6.2 भी हो सकती है, 6.25 भी हो सकती है। तो ये जो आपके वेरिएबल है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। तो अब इनसे मुताबिक हमारी ये कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डेली लाइफ में हम बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट होती है हमारी डेली लाइफ में। अब इसकी जैसे एग्जांपल्स है, जैसे लोगों की हाइट है तो हाइट ऑफ पर्सन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। लोगों का वेट होता है, वेट ऑफ पीपल जो है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रखता है। इसका लोगों की इनकम है तो इनकम भी जो है वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो लोगों की जहानत है, आईक्यू है, वो भी एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रियल लाइफ में एग्जांपल्स है। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप किस तरह की होती है, तो ये शेप आपके सामने है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो सिमेट्रिकल है, बेल शेप है, घंटी की तरह इसकी जो है वो शेप है। ये आपके सामने, ये आपके सामने है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप, नजर आ रही है ना आपको? तो ये जो बेल शेप जो आपके पास कर्व है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो इसके हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं बाज़ुकात। तो अब ये जो आपके पास बेल शेप कर्व है इसमें क्या प्रॉपर्टी है? जो पहली प्रॉपर्टी जो सबसे ऑब्वियस आपके सामने है वो क्या है कि ये आपके पास सिमेट्रिकल है। ठीक है, बिल्कुल इसके जो दोनों पार्ट है वो एक जैसे है, राइट और लेफ्ट। तो अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक्स एक्सिस के ऊपर लोगों की हाइट को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी या हम प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करते हैं, तो अब देखें ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हाइट की, इसमें किस क्या प्रॉपर्टीज है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास ये जो टेल नजर आ रही है ब्लैक कलर में, यहां पर हाइट बहुत स्मॉल है, और क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी अगर आप देख रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, तो इस वजह से ये लेस फ्रीक्वेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लो है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो लेफ्ट टेल में आपके पास है वेरी स्मॉल हाइट्स है, वो दे आर लेस फ्रीक्वेंट और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड पर जाएं, जो टेल है आपके पास, यहां पर जो हाइट की वैल्यूज है वो ज्यादा है, वेरी लार्ज हाइट्स है, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी भी लो है, ये भी लेस फ्रीक्वेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी लो है। तो आमतौर पर लोगों की जो हाइट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे अफराद जिनकी हाइट बहुत कम हो और ऐसे अफराद जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो, दोनों लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, लेस प्रोबेबल होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज कम होती है। ये जो बीच का पोर्शन है रेड कलर में, इसमें आप देख रहे हैं ज्यादातर डेटा है, ज्यादातर हाइट है, तो मोस्ट ऑफ दी हाइट्स आर इंटरमीडिएट। ज्यादातर लोगों की जो हाइट्स होती है ना तो बहुत ज्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, दरमियानी होती है, तो इसीलिए इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है इंटरमीडिएट हाइट्स की वो हाई है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की के जो आपके पास वेरी स्मॉल वैल्यूज हैं या वेरी हाई वैल्यूज हैं वो लेस फ्रीक्वेंट हैं, और जो ज्यादातर वैल्यूज हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज हैं आपके पास, वो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं। तो इसलिए ये बेल शेप कर्व आपके पास बन रहा है। तो अब इसके अंदर देखें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आप जो कौन कौन से इसके अंदर खास बातें जो आपको याद रखनी है, ये सेंटर्ड अबाउट मीन है, तो इसका जो मीन है वो इसके बिल्कुल सेंटर सेंट्रल वैल्यू है, ये जो दिखाई भी आपके पास ये मीन है बिल्कुल सेंटर में, और ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन है, मीन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, और इसका जो स्प्रेड होता है वो डिपेंड करता है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पर। मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये इसके अंदर जो है तीन प्रॉपर्टीज है मैंने दिखाए हुआ आपको, जैसे ये कोई भी आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है, बेल शेप कर्व है आपके पास, इसका जो मीन है वो बिल्कुल इसके सेंटर में है, और ये जो इसका स्प्रेड है कि मीन का अबाउट डेटा कितना फैला हुआ होगा ये डिपेंड करता है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। ठीक है,
तो हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन का मतलब है एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अंदर दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका मीन है आपके पास, एक उसका आपके पास हेलो शेयर हो रही है स्क्रीन या नहीं हो रही स्क्रीन, नजर आ रही है? अच्छा अच्छा ठीक। अगर किसी को देखे अगर कोई आवाज की प्रॉब्लम हो या शेयर स्क्रीन नहीं हो रही तो आप मुझे मतलब आप चैट के थ्रू बता दें, बाज पर मेरी तरफ से भी नेट पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है। तो जो कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होगी उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका मीन है जो ब्रैकेट में बता रहा हूं मैं, दो वेरिएबल्स म्यू का मतलब है उसका मीन, सिग्मा का मतलब है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का तरीका है। तो अब कितने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है वो डिपेंड करता है उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज पर। तो जाहिर है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की इन्फिनिट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरह वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस इन्फिनिट है, मतलब 50 नहीं है, 100 नहीं, उससे भी ज्यादा है, 1000 नहीं, उससे भी ज्यादा है, 1 बिलियन नहीं, उससे भी ज्यादा है, इन्फिनिट है। तो अब जाहिर बात है हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या बहुत ज्यादा हो, हर एक को बारी बारी अगर हम डील करें तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, हमारी लाइफ टाइम इतनी नहीं है। तो फिर जाहिर है अल्लाह ताला ने फिर उसके लिए आसानी की भी मतलब एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास इन्फिनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिनमें म्यू की वैल्यू, मीन की वैल्यू और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज डिफरेंट होती है। जैसे ये पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबकी बेल शेप्ड है, लेकिन इसमें जो इनमें स्प्रेड और मीन का फर्क है, स्टैंडर्ड वैल्यू सिग्मा और म्यू का फर्क है, तो इस वजह से इनकी शेप जो है वो डिफरेंट है। सबकी बेल शेप्ड है लेकिन बेल शेप भी डिफरेंट टाइप्स की पॉसिबल है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स की आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिनमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अब हम इतनी सारी तो स्टडी नहीं करते, हमने एक को स्टैंडर्ड बना लिया, जैसे दुनिया में जो करेंसी है वो स्टैंडर्ड करेंसी हमने डॉलर बना लिए कि जो भी है वो एक ही करेंसी के अंदर अपनी खरीदारी कर ले, उसमें डील कर ले, तो वो आसानी हो जाती है उसमें। इसी तरह खैर यहाँ पे तो सिचुएशन और ज्यादा गंभीर है कि इसमें बहुत सारी आपके पास इन्फिनिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। तो अब जाहिर है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम एक मीन की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू चूज करेंगे। तो जो ऑब्वियस चॉइस है, जो सबसे आसान वैल्यूज है जिनको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना सबसे आसान है, वो क्या है कि मीन आपके पास जीरो हो और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास वन हो। मीन आपके पास जीरो हो और स्टैंडर्ड डेविएशन वन हो, तो एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू जीरो हो और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वन हो, उसको हम कहते हैं वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वैल्यू सबसे आसान है कैलकुलेशन में यूज करने के लिए, तो इसलिए हम इन वैल्यूज को जो है वो यूज करते हैं। तो एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन जीरो हो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वन हो, उसको हम कहते हैं वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अलग करने के लिए, फर्क करने के लिए कि हम इसे देखकर ही पहचान जाए, हम इसको एन के बजाय हम इसको कैपिटल जेड से जो है वो डिनोट करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा सही। तो एक ऐसी स्टैंडर्ड नॉर्मल, एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू जीरो हो और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वन हो, वो हमारा स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो एन जीरो वन का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन जीरो है और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वन है। तो अब इसकी भी जो शेप है वो बेल शेप ही होगी, लेकिन इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो मीन वो जीरो है। तो अब जीरो के राइट हैंड साइड पर आपको पता है पॉजिटिव वैल्यूज होंगी 1, 2, 3, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यूज होंगी -1, -2, -3। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इसका म्यू जीरो होता है, सिग्मा वन होता है। जो टेबल हमें गिवन होता है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का गिवन होता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ते हैं। तो कोई भी आपके पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसमें उसके कर्व के नीचे जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर है। तो ये सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है कि फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया। तो प्रोबेबिलिटी और एरिया एक ही चीज है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। तो हम प्रोबेबिलिटी को फाउंड करेंगे बाय फाइंडिंग एरिया। तो अगर हम एरिया फाइंड आउट कर ले तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब एरिया इस प्रोबेबिलिटी है, तो अब इसलिए हम जो हमारे पास, अच्छा एक और चीज इसके अंदर है कि आपको बताया कि
कोई भी आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उनकी तमाम प्रोबेबिलिटी वैल्यूज का सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज को, तो विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो टोटल एरिया अंडर एनी नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज 1, विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विच इज ऑलवेज 1। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो, आगे हम जैसे और पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि नॉर्मली हो, आगे और भी होंगी, काई स्क्वायर है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें जो टोटल एरिया होगा वो हमेशा 1 होगा। तो अब क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन है, तो इसका जो मीन जो सेंट्रल वैल्यू है वो टोटल एरिया जो कि 1 है उसको दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, जिसमें हर हाफ का एरिया 0.5 होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास ये जो मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है, इसको जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, या ये जेड कर्व है। तो ये सेंट्रल वैल्यू बीच में 0 है, तो उसके राइट हैंड साइड पर ये जो रेड कलर में मैं आपको एरिया दिखा रहा हूं, ये एरिया 0.5 है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो कि ब्लू एरिया में आपको शो कर रहा हूं, तो ये एरिया भी 0.5 है, तो टोटल एरिया इसका इसके अंदर जो है वो 1 है। यहां तक समझ गए आप बात? अच्छा, तो अब आ जाइए, अब जो आपको इसमें आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, आप इसमें टेबल यूज करके एरिया निकालेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी है, तो आप टेबल की मदद से प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो अब जैसे वी फाइंड एरिया फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, अब ये आपको टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल के अंदर ये आपका जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है बेल शेप का, वो शो किया हुआ है, और इसमें आपको बता रहे हैं, इस पे टेबल में आपको ये बता रहे हैं कि हमेशा हम जो एरिया देंगे वो 0 और उसके राइट हैंड साइड पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है उसके दरमियान जो पोर्शन है हम उसका एरिया आपको इस टेबल में हमेशा देंगे। तो ये टेबल हमने इस तरह बनाया कि इसमें 0 और 0 के राइट हैंड साइड पर जो पॉजिटिव वैल्यू, याद रखें पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 के राइट हैंड साइड पर होगी, तो 0 जो कि मीन है और उसके राइट हैंड साइड पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है उसके दरमियान ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी या एरिया जो है हम टेबल में हमें गिवन होगा, यानी टेबल से हमें ये पता चलेगा कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल सेट बिटवीन 0 एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू है, लेट्स से जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड बिटवीन 0 एंड 2.24 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी ये एरिया, इस पोर्शन का एरिया क्या है। अब ये एरिया जो है इसके अंदर कैलकुलेट करके दिखाया हुआ आपको समझाने के लिए कि अगर हमें ये पोर्शन का एरिया चाहिए जिसमें राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू 2.24 है, तो इसमें 2 पॉइंट के बाद जो 2 है वो पहला डेसिमल प्लेस है और पॉइंट के बाद जो 4 है वो सेकंड डेसिमल प्लेस है, तो इसके अंदर हम 2 डेसिमल प्लेस आपको देते हैं, फर्स्ट और सेकंड वो टेबल के अंदर गिवन होते हैं। तो जैसे अगर हम ये जेड की वैल्यू 2.24 है, तो इसे अगर हम टेबल में जाए तो हम इसमें देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पर जेड की वैल्यूज का कॉलम है, 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0.1, इसके अंदर देखिए हम ये रेड बॉक्स के अंदर मेरे पास ये वैल्यू है 2.2, तो इसमें मुझे 2.2 मिल गया है, और ऊपर ये जो आपके पास जेड के साथ ही रो गिवन है, इस रो के अंदर सेकंड डेसिमल प्लेस आपको गिवन है, वो इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी। जैसे 2.2 में ये 0.00 ऐड करेंगे तो एक्चुअली 2.20 होगा, 0.01 ऐड करेंगे तो ये 2.21 होगा, इसी तरह ये 2.22 वाला कॉलम है, 2.23 वाला कॉलम है, ये जो 0.03 है इसको 2.2 में ऐड करेंगे तो ये 2.23 हो जाएगा, क्योंकि हमें जेड की वैल्यू गिवन है 2.24, तो यहां से हमें रेड बॉक्स में मिल गई जेड की वैल्यू 2.2, और ऊपर ये जो वैल्यू है इसमें हमें देखना 0.04, ताकि जब हम इन दोनों को ऐड करें तो ये इट बिकम्स 2.24, तो इस तरह हमें जेड की वैल्यू 2.2 और यहाँ पे 0.04 मिल गई 2.24। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पर ये प्रोबेबिलिटी की या एरिया की वैल्यू लिखी हुई है, तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, ये 2.2 के अगेंस्ट और 0.04 के नीचे ये आपके पास वैल्यू 0.4875। सबके समझ में आ गए ना वैल्यू हमने किस तरह फाइंड आउट की है? अच्छा, जेड की वैल्यू क्या थी? 2.24। तो अब Z के नीचे कॉलम में हमने कौन सी वैल्यू तलाश करनी है? 2.2, ये आ गई 2.2 रेड कलर में। अच्छा, ऊपर हमें सेकंड डेसिमल प्लेस पे कौन सी वैल्यू तलाश करनी है? 0.04, ताकि ये बन जाए 2.24। ठीक है, अब ये 2.2 के अगेंस्ट अगर आप इस रो में जाए और 0.04 के कॉलम के नीचे आप रो में आए, तो आप देखें इनके इंटरसेक्शन पे जहां पर ये मिल रहे हैं इनके इंटरसेक्शन पे वैल्यू क्या है? 0.4875। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, यानी ये जो पोर्शन है कि Z इज बिटवीन 0 एंड 2.24, तो
उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4875 है, सही है, समझ गया आप? या किसी को कोई अच्छा एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, लेट्स से जेड के एक और हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 1.67 है, 1.67 ये मैं वैल्यू खुद दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो अगर जेड बिटवीन 0 एंड 1.67 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब याद रखें आपके पास जेड की वैल्यू 1.67 है, तो अब ये जेड के नीचे जाते हैं इसमें हम कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी 1.6, तो ये आ गई 1.6। अच्छा और 0.07 के कॉलम में अगर हम जाए तो ये देखें 1.6 की रो में आप जाए और ये ऊपर आपके पास जो है 0.07 है, तो ये 1.67 के अगेंस्ट आप मुझे बताएंगे वैल्यू क्या 0.4525, सही है, समझ गए? तो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को पढ़ना सीख गए आप, किस तरह पढ़ेंगे आप, इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? सही, अब आ जाए, अब आ जाए हम, अब कुछ जी कैलकुलेटर से हो सकती है, मतलब अगर टेबल से ना देखो नहीं, कैलकुलेटर से नहीं हो सकती। हाँ कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जिनमें ये टेबल जो है ऑलरेडी स्टोर होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो तमाम कैलकुलेटर में स्टोर नहीं होता, तो मेरे ख्याल से जनरली कैलकुलेटर से आप नहीं कर सकते, जनरली आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, ग्राफिकल कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो अब इसमें आ जाए आप कुछ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल को किस तरह इस्तेमाल करके आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। तो अब इसके मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, ये अच्छी तरह आप समझ लें तो इसका इससे मुताबिक जिस तरह के भी क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे। तो अब इसमें जैसे अब आपके पास प्रोबेबिलिटीज किसी भी टाइप की हो सकती है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, तो अब मैं आपको ये सारी बता रहा हूँ एक एक करके। अब सबसे पहले जैसे ग्रेटर देन टाइप की है, तो इसमें याद रखें ग्रेटर देन का मतलब ये होता है, ग्रेटर देन आपके कहां पे पड़ेगा, राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर? राइट हैंड साइड पर, राइट। तो ग्रेटर देन का मतलब है आपने एरिया मालूम करना है विच इज टू द राइट, सही है, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है आपने एरिया मालूम करना है विच इज टू द लेफ्ट। तो अब आ जाइए, अब हाउ टू यूज, अब ये मैं आपके पास बता रहा हूं आपको एग्जांपल्स हाउ टू यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जेड टेबल टू फाइंड प्रोबेबिलिटीज। अब एग्जांपल वन है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी दैट जेड इज ग्रेटर देन 1.23। अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1.23 है तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये प्रोबेबिलिटी, अब सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम बना लें, ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है बेल शेप कर्व है, इसके सेंटर में जेड जीरो है, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो जीरो के राइट हैंड साइड पर है, ये जेड की वैल्यू मैंने दिखा दी 1.23। अब क्योंकि हम ग्रेटर देन में इंटरेस्टेड है तो उसका मतलब ये एरिया टू द राइट होगा, ये मैंने ब्लू कलर से आपको ये एरिया दिखा दिया, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि z इज ग्रेटर देन 1.23। तो अभी जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है इसका एरिया या प्रोबेबिलिटी हम टेबल से किस तरह निकालेंगे, तो याद रखें टेबल जो है आपके पास उसमें हमेशा आपको बिटवीन जीरो और एनी पॉजिटिव वैल्यू प्रोबेबिलिटी गिवन है, यानी टेबल में आपको ये रेड पोर्शन गिवन है, टेबल में आपको गिवन है फ्रॉम द टेबल, टेबल में आपको गिवन है कि z इज बिटवीन 0 एंड 1.23, तो इस पोर्शन का एरिया क्या होगा। तो अब हम इस टेबल से निकालते हैं ये 1.23 आपके पास, तो अब यार टेबल से आप जरा मुझे पढ़ के बताए 1.23, सही है। तो अब देखिए हमने टेबल से ये हमने प्रोबेबिलिटी मालूम कर ली है 0.3907, लेकिन हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू पोर्शन के निकालनी है रिक्वायर्ड एरिया, तो अब ये हम किस तरह निकाले, हमें पता है ये जो Z के सीधे हाथ पर ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0.5 होती है ना, यानी ये रेड प्लस ब्लू ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी 0.5, और हमें चाहिए ब्लू की, तो ये किस तरह मालूम करें, ये जो टोटल रेड प्लस ब्लू यानी 0.5 है, इसमें से जो रेड वाला पोर्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर लें, तो ये आपको ब्लू पोर्शन की प्रोबेबिलिटी या एरिया मिल जाएगा। तो ये इस तरह हमने इसको कर लिया, ये एग्जांपल वन हो गई कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है और जेड इज ग्रेटर देन सम पॉजिटिव वैल्यू, तो ये प्रोबेबिलिटी किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे। आप सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना देंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब आ जाइए आप एग्जाम्पल टू है, अब जैसे कोई अब मैं कोई नेगेटिव वैल्यू लेता हूं और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, अब ये कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन माइनस 1.23। तो सबसे पहले आपने एक रफ डायग्राम बना दी है, ये जेड जीरो है नेगेटिव वैल्यू है तो ये लेफ्ट पर है माइनस 1.23, तो हमें ये जो लेफ्ट का मतलब है कि ये इस वैल्यू के लेस देन का मतलब ये इस वैल्यू के लेफ्ट पर प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट पर पोर्शन का एरिया है,
तो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया कि जेड इज इक्वल टू माइनस 1.23 के लेफ्ट पर ये जो ग्रीन पोर्शन है ये आपके रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं यही जो वैल्यू है जेड की माइनस 1.23 माइनस हटा के या पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं प्लॉट करता, दूसरी तरफ प्लॉट होती जीरो के राइट पर, तो इन दोनों वैल्यूज में सिर्फ साइन का फर्क है, तो इस वैल्यू के लेफ्ट हैंड, इस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड, इस वैल्यू के राइट हैंड साइड पर ये मेरे पास ब्लू पोर्शन है। तो अब क्योंकि मेरे पास ये सिमेट्रिकल शेप है, तो जो एरिया ग्रीन पोर्शन का होगा वही एरिया ब्लू पोर्शन का होगा। ये दोनों, दीज टू आर इक्वल, ब्लू पोर्शन और ग्रीन पोर्शन, ये दोनों एरियाज इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ रही ना आपके, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये सेम होगा। जी सर, एग्जाम्पल नंबर टू क्लियर नहीं हो रहा सर। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर टू में आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि z इज लेस देन माइनस 1.23? तो सबसे पहले तो आप इसको रफ प्लॉट करके आप दिखा दें कौन सा पोर्शन है जिसकी जो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो z इज माइनस 1.23, ये जीरो सेंटर पर जीरो है, जीरो के लेफ्ट पर है, और लेस देन का मतलब है कि हमने इस वैल्यू के लेफ्ट पर जो पोर्शन है वो निकालना है। तो अब ये आपके पास, आपने सबसे पहले दिखा दिया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ग्रीन पोर्शन से मैंने शो किया है कि ग्रीन पोर्शन जो है ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, सही है। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास टेबल में जीरो के राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज है वो गिवन है, तो इसलिए आप नेगेटिव वैल्यू को से पहले आप पॉजिटिव वैल्यू जो है उसको कंसीडर करें। यह जो जेड की वैल्यू गिवन थी माइनस 1.23, इसमें से माइनस अगर आप हटा दे तो ये बन जाएगी 1.23। तो इसको अगर आप प्लॉट करें तो ये जीरो के राइट हैंड साइड पर है, ये मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है, 3907, सही है। अब ये इसके राइट हैंड साइड पर ये जो ब्लू पोर्शन है इसका एरिया वही होगा जो इस ग्रीन पोर्शन का है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी याद रखें बिकॉज ऑफ सिमेट्री जेड इज लेस देन माइनस 1.23, तो इसका जो पोर्शन है, जी 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 बताइए, जब भी आप ग्राफ में अगर कोई भी नेगेटिव देंगे वो हमेशा पहले पॉजिटिव करना होगा, पॉजिटिवली हम लोगों को उसको शो करके फिर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी। जी हाँ, ऐसा ही है, ये मैंने इसलिए नीचे दिखाया हुआ बिकॉज ऑफ सिमेट्री जेड इज लेस देन माइनस 1.23, इसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू जस्ट आपने जेड इज ग्रेटर देन 1.23, यानी आप नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे और लेस देन को ग्रेटर देन बना देंगे। तो ये जो है लेस देन वाला ये ग्रीन पोर्शन है, ग्रेटर देन वाला ब्लू पोर्शन है, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज या दोनों एरिया सेम है। तो अब फिर इसको निकालने का वही तरीका हो गया जो अभी आपने एग्जाम्पल वन में देखा था। तो अब इसमें देखें, आप पहले तो टेबल से आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ये रेड पोर्शन की बिटवीन 0 एंड 1.23, ये उसी तरीके से आपने टेबल से फाइंड आउट कर लिया 0.3907। तो अब आपको होता है रेड प्लस ब्लू जो है 0.5 है, इसमें से ब्लू चाहिए तो 0.5 में से माइनस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह किया है जिस तरह एग्जाम्पल वन में किया है। समझ में आ गई बात? हेलो सर, हम 5 मिनट में हमको मतलब सर नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क नहीं है बस चेंज करना है। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क नहीं, नेगेटिव को उसी तरह पॉजिटिव बना देंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह सॉल्व हो जाएगी जिस तरह एग्जाम्पल वन है। सर मुझे एक बात बताइए, जो भी आपने क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन मैं आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ दिए हैं? नहीं, मैंने आपको देखा एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है नेगेटिव, तो अब जब उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव को मैंने खुद पॉजिटिव बनाया है, ये मैंने खुद किया है, ठीक है, ये मैंने खुद किया है। चाहिए चाहिए पॉजिटिव हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, चाहिए। अब आ जाइए, अब एग्जाम्पल थ्री आ जाए। अच्छा, अब एग्जाम्पल थ्री में ये लेस देन टाइप ही की मैं मालूम कर रहा हूं, लेकिन ये अब पॉजिटिव वैल्यू के लेस देन टाइप है। तो एग्जाम्पल थ्री में प्रोबेबिलिटी पी निकाले कि जेड इज लेस देन 1.23। याद रखें जेड का मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर जेड लेस देन 1.23 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले आप इसके ग्राफ डायग्राम बना लें, सेंटर में याद रखें जीरो है, 1.23 पॉजिटिव है, तो ये जीरो के राइट हैंड साइड पर है। तो अब लेस देन का मतलब क्या होगा, जो एरिया टू दी लेफ्ट होगा, तो ये मैंने ब्लू पोर्शन से दिखाते हैं कि जेड इज लेस देन 1.23 है, तो ये जो पूरा ब्लू पोर्शन है आपके पास ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। अब इसको हम किस तरह निकालते हैं, तो अब देखें टेबल से मुझे कौन सी प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बिटवीन 0 एंड 1.23, सही है। यानी ये जो पोर्शन आपको दिया हुआ है, ये जो नारंगी रंग का पोर्शन आपके पास है, ये आपने टेबल से निकाल लिया,
कि z इज बिटवीन 0 एंड 1.23, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3907 है। अब मुझे बताइए, आप फिगर देख रहे हैं कि जो ब्लू पोर्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी किसने निकाले? देखें, ये जो एक तो 0 से 1.23 तक ये पोर्शन है, ये हमने टेबल से निकाल लिया 0.3907। जीरो पॉइंट फाइव तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें 0.5 ऐड करेंगे इस प्रोबेबिलिटी में। देखें, ये जो जीरो के लेफ्ट पर पोर्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5 है ना। ये तो आपको बताया कि टोटल एरिया 1 था, तो मीन उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है जीरो के लेफ्ट पर ये 0.5 है, और ये जो बिटवीन पोर्शन है 0 एंड 1.23 टेबल से निकाल लिया, ये 0.3907 है। तो हम क्या करें, 0.5 में ऐड करते हैं इसको, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ रही बात? सही है, क्लियर है सर? एक बार और सर। जी जी सर, जी जी पूछिए एक बार दोबारा सर, रिकॉल करें। अच्छा, जेड इज लेस देन 1.23 तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले आप रफ डायग्राम बना के देख लें कौन सा पोर्शन है। तो ये जेड 1.23 जीरो के राइट पर है, और इसके लेफ्ट पर ये जो पूरा ब्लू पोर्शन है, ये आपने इसका एरिया निकालना है, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम जो टेबल से निकालेंगे वो बिटवीन 0 एंड 1.23 निकालेंगे, तो ये टेबल से हमने उसी तरीके से फाइंड आउट कर लिया 0.3907। ठीक है। अच्छा, अब 0 के लेफ्ट पर ये जो पोर्शन है ये 0.5 है, तो हमने जो टोटल हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर ये 0.5 वाला पोर्शन भी शामिल है, और इसके अलावा ये जो अभी हमने टेबल से निकाला बिटवीन 0 एंड 1.23 ये पोर्शन भी शामिल है। तो अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना, इस पोर्शन में ये पोर्शन ऐड होगा। ठीक है, तो ये 0.5 के अंदर हमने ये 0.3907 ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ में आ गई बात आपकी? सही है, समझ गए आप लोग? जी सर, जी सर सही है। तो मैं फिर आगे बढ़ू।